सिस्टम आपके ओ ए बी ये देख रहे हैं yes, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स ओ से हमने 6 सेंटीमीटर की एक आर्क से क्या बना दिया एक अपनी सर्कल ठीक है अब बोला है इस पूरे का एरिया निकालना है ये पूरा पूरे निकालना है अपने को तो ये तो क्या है ये इक्विलेटरल तो पहले और अपने को इस ट्रायंगल की साइड देख रहे हैं कितनी रखी है 12 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर जहां पे ए का मतलब क्या होता है साइड ऑफ ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी है तो ए की जगह क्या आ जाएगा या नहीं है अब इसके बाद में ये जो है ये क्या है मेजर सेक्टर क्या ये छोटे बात बताओ अगर ये सर्कल है क्या ये सर्कल में ये क्या बनता है ये सेंटर ये कौन सा माइनस ये कौन सा सर्कल में इसको हटा दो ये क्या है और इसी से क्या बनेंगे ट्रायंगल तो अगर शेडेड एरिया निकालना है क्या निकालना है शेडेड रीजन अगर निकालना है इसका फॉर्मूला क्या आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है रूट थ्री अपॉन में फोर ए स्क्वायर बेटा भी लिखना नहीं है रूट थ्री अपॉन फोर क्या होता है ए अब मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या जी ए ए का मतलब क्या होता है साइड और साइड दे रही कितनी रखी है काम खत्म इसका अब कभी मेजर सेक्टर निकालो दो चीज चाहिए एक रेडियस और एक क्या चाहिए एंगल तो रेडियस तो देख रखी है 6 सेंटीमीटर कितना लिया अब बताना कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स ओ से 6 सेंटीमीटर पे क्या खींचे बने आर मतलब इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर कितनी है तो रेडियस कितना है अपना 6 सेंटीमीटर अब एंगल कितने का है 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये एंगल कितने का है 60 डिग्री हमको तो ये चाहिए थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे अपन बेटा साथ में लिखेगा नहीं कोई भी रूट थ्री अपॉन में एक वैल्यू क्या है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है ब्रैकेट लगा होता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है इसके बाद में क्या होता है डिवाइड अब ये कितना आ गई है 3 12 3 सा 36 रूट 3 360 में जाएंगे 60 300 अपॉन में 360 इनटू 22 बाय 7 6 इनटू 10 से 10 36 से 36 कैंसिल अब क्या है 36 root 3 plus 30 कितना है 660 अपॉन में 7 यह आ गया आंसर सेंटीमीटर आई बात सुन में यह आ गया अपना शेडेड रीजन लेकिन इसको पहले सिस्टमेटिक लिखना है कैसे लिखोगे गिवन बेटे दर लिखना है कि ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर ए कितना आ गया 12 सेंटीमीटर तो लिखोगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ब्रैकेट में क्या आएगा ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ब्रैकेट में क्या आएगा ए कितना आएगा 12 सेंटीमीटर फिर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ गया 60 क्या आ गया फिर क्या आएगा रेडियस ऑफ मेजर सेक्टर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ मेजर सेक्टर आर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर अब पता है कि सर अगर पूरा निकालो तो पहले क्या आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
ये निकल गया, लगा दिया फॉर्मूले सपथ से, बोलो सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब हर एक कोने से 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके क्वाड्रेंट, चारों कोने से क्या किए जाते हैं कट कर दिए, इन सब की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर चारों की, ठीक है चारों एक जैसी, आई बात है। अब बोलेगा ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, और 2 सेंटीमीटर का एक और 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक और सर्कल किया गया जाता है कट, ये इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। आप बोला है फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है ना ये वाला, ये ना ये वाला रीजन निकालना है, ये वाला आप बताओ ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको बताएं, बस दो भी बताए बाकी सबको क्या है 1 3, उसके चारों कोने से 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट कट कर दिएगा, ठीक है, और एक सर्कल जिसका डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर उसको कट कर दिएगा। अब बताना है बच्चों को क्वेश्चन कितना है, नहीं नहीं बता सकते हो, ये स्क्वायर की इसकी की गई है स्क्वायर, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालेंगे ये निकालेंगे। अब इसमें से इन चारों क्वाड्रेंट को क्या कर दिया गया माइनस, क्या आएगा माइनस 4 इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पता ही नहीं ऐसा क्यों, क्वाड्रेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 इसको ऐड करते हैं क्वाड्रेंट, क्योंकि चारों की रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, मतलब देखो पहले सर हमने स्क्वायर निकाल लिया, पूरा क्या निकाल लिया एरिया, इन चारों को क्या कर दिया माइनस, अब बचा सर इतना है लेकिन इसमें क्या आ गया सर्कल, तो माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये ना अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर, अरे क्या होता है पाई आर वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेकिन इसके पहले लिखना पड़ेगा गिवन, क्या देखे रखा है अपने को साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर की साइड कितनी देखे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसके बाद में क्या आएगा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ आर वन कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, फिर क्या आएगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पहले सबसे पहले क्या आएगा गिवन, गिवन में क्या क्या दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर वन कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल आर टू कितना रखा है 1 सेंटीमीटर, ये पहले चीजें लिखी जो अपने को दे रखा है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, अरे बस पहले क्या लिखेंगे गिवन जो चीज अपने को देख रहा है, फिर अपने को दिख रहा डायग्राम, तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब पूरा स्क्वायर का क्या निकालेंगे हम एरिया, उसमें से फिर चारों क्वाड्रेंट को क्या कर देंगे फिर एरिया ऑफ सर्कल को क्या कर देंगे, ये सब लिख दिया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या करना है वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 4 से 4 22 बाय 7, आर वन कितना है 22 बाय 7, आर वन कितना है 4 का स्क्वायर सेम है 24 अपॉन में, आरी बात समझे बेटा इधर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम, अब दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं सेम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका लगा बड़ी वैल्यू का, अब क्या ले लेंगे एलसीएम 16 7 100 12 माइनस 40 कितना बचेगा 58 अपॉन में आई बस चेक करो आंसर सही है, रेडियस 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन इज फॉर्मड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर 12.24,
फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि एक सर्कुलर टेबल का क्या है कवर, ये क्या है एक सर्कुलर टेबल का क्या ये कवर, इसका सेंटर क्या है वो. अब उसने कहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, अगर हम इसको छोड़ दें, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये डिजाइन का एरिया निकालना है. ये क्या है यहाँ पे डिजाइन है, ये देखो सुनो, ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में क्या है टेबल का कवर है. आप बोला है अगर इसमें से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को हटा दें तो क्या आ जाएगा अपना डिजाइन. हमको डिजाइन का एरिया बताना है. तो सबसे सिंपल ये सबके माइंड में आ रहा होगा कि सर पहले क्या निकाल लो एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से क्या माइनस कर दो एरिया ऑफ इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल. बेटा ठीक है, मान लिया ये. अब इसकी देखो रेडियस एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल. ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. अब देखो बेटा पाई की वैल्यू तो पता है 22/4, आर अपने को देके रखा है. ये ठीक है, अब मेक क्या आता है ए, सर ए तो देखिए मिला था. ए का मतलब क्या होता है पीछे लास्ट में, ए का मतलब क्या होता है बेटा, ये रखा है दिया है क्या, ये दिया है कि सर सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक क्या होता है रेडियस, क्या होता है रेडियस, रेडियस दे रहा है 32. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेडियस दिख रहा है 32, ये भी रेडियस दिख रहा है 30. हमको मेन क्या चाहिए, साइड क्या चाहिए, अगर एंगल लेके क्या करेगा बता, यहाँ एंगल का काम क्या लगता है, मतलब क्या होता है साइड, कोई सी भी एक साइड मिल जाए, साइड किसकी साइड इक्विलेटरल, या तो हमको सर बीसी पता चल जाए, या हमको एसी पता चल जाए, या हमको एबी पता चल जाए, कोई सी भी एक साइड पता चल जाए, एक भी साइड पता है क्या, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होती है एक जैसी. अब जो हम कथन करेंगे जो अपन अमाइंड करेंगे तो किसके लिए रहेगी साइड, देखो ये तो पता है ना कि सर देखो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती क्या होती है रेडियस, ये तीनों क्या जॉइन की रेडियस. अब बताओ कि मैं एक कोई सा भी एक ट्रायंगल लूंगा जिससे क्या निकालूंगा मैं साइड. अब तुम बोलोगे सर आपने यही ट्रायंगल क्यों लिया, हमारी इच्छा हो ये ले लो, तुम्हारी इच्छा कोई सा भी एक ट्रायंगल जो इच्छा हो, ऐसा नहीं रट के नहीं जाना सर ने ये लिया तो हम ये लेंगे, ये ले लो सेम ही रहेगा कुछ भी अलग है क्या, लेकिन मैं ये इसलिए लूंगा ताकि तुमको ये अच्छे से दिख पाएगा, नहीं तो ऐसे ड्रॉ कर दूंगा फिर बोलोगे क्या क्या कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना, आप देखो सुनो, अब ये एंगल कितने का बनेगा 120, क्यों बनेगा पूरा सर्कल कितने का होता है उसके कितने पार्ट्स कर दिए, तो ये कितने का हो गया 120. अभी भी किसी को नहीं आता बेटा, देखो सुनो पूरा सर्कल कितने का होता है कितने पार्ट कर दिए 360 डिवाइडेड बाय 3 बाय कि अगर हाँ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, पहली बात तो ये क्या करते हैं दोनों साइड को इक्वल पार्ट में और दोनों एंगल को भी इक्वल पार्ट में बढ़ाया ना, बस बहुत अच्छी बात है. अब देखो सुनो, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या दिया डी, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी इक्वल पार्ट. आई बस अब यहाँ पे ये एंगल कितने का हो गया और ये भी कितने का हो गया, सर जिस पर एंगल बनता है वो क्या होता है बेस, पता नहीं तुम. अब ये दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर वीक है. अब मेरी बात सुन, देखो हमको क्या चाहिए सर, बीडी चाहिए, क्या चाहिए बीडी चाहिए ना. अब ये निकालने के लिए बीडी क्या चाहिए परपेंडिकुलर,
और डी के क्या रखा है? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रेशियो बताता है? साइन थीटा। क्या बताता है? तो कहीं पहले कॉस लेंगे फिर साइन लेंगे, तो पहले खुद का दिमाग लगाना है कि सर हमको इसका काम है क्या? नहीं, हमको अगर ये पता चल गया तो इसका क्या कर देंगे? डबल, क्योंकि जो यही होगा भाई वो क्या आ जाएगी? साइड आ जाएगी। आई बात सुन, तो हमको क्या निकलना है सर? बीडी। और बीडी क्या है इस ट्रायंगल के लिए? जिस पर एंगल बनता है वो तो क्या होता है? अपन देखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल बी ओ डी या फिर बीडीओ लिख लो, क्या लिख लो? ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये जानते हो कि कब से? अब देखो सुनो, एंगल कितने का दिया इस ट्रायंगल में? एंगल कितने का है? कितने का दिया है? परपेंडिकुलर नहीं पता, BD और हाइपोटेनस क्या है? 32। ठीक है, 32 साइन 60 की वैल्यू अपॉन में BD अपॉन में 30। अब निकल गया BD, क्या निकला? 60 रूट 3। ये इधर आ जाएगा 32 रूट 3 अपॉन में 2, कितना आ गया? बेटा BD कितना आ गया? 16 रूट। अब मैं एक बात बताऊं, क्या अपने को तो क्या चाहिए? एक साइड चाहिए, साइड कौन सी पूरी? BC, लेकिन निकला क्या सिर्फ BD। अब ऊपर सर जो ये है वही की वही क्या है? क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में, तो फिर से बता देना कि हम अभी भी जानते हैं BC बराबर 2 × BD है ना? BD प्लस ये भी क्या मिला है? BD। तो BD प्लस BD क्या हो जाएगा? BC। है DC, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी वही की वही टू इंटू BC, 2 × BD, BD का डबल क्या हो जाएगा? BC। तो BC बराबर कितना आ गया? 32 रूट 3। ये किसकी साइड आ गई? BC की। BC मतलब क्या है? इसकी साइड इक्विलेटरल, आप पुट कर दोगे निकाल लोगे, क्योंकि देखो रेडियस दे के रखी थी, सिर्फ मेन काम क्या चाहिए था? साइड। और साइड अपन ने निकाल दिया, कैसे? पहले अपन ने तीनों को जॉइन कर दिया, कितने का एंगल बन गया? 120 का। फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर किया ड्रॉ, ये 60 का और ये 60 का। अब इस ट्रायंगल में से मैंने क्या लगाया? जानबूझ के साइन थीटा। क्यों लगाया? क्योंकि सर हाइपोटेनियस दिया था, निकालना क्या था? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन फॉर्म बताता है साइन, इसलिए क्या लगाया मैंने? साइन। नहीं तो पीछे से भी आवाज आएगी, सर टेन क्यों नहीं लगाया, कॉस क्यों नहीं लगाया? टेन कब लगाते हैं? जब ना आपको ये दिया ना ये दिया है। कैसे निकाल लेते अपन? एक चीज दे रखी है और निकालना क्या अपने को? परपेंडिकुलर। आई बस, इसलिए मैं लगा ये और देन इसका डबल ही हो गया। अब ये क्या है अपना? ए है ना ये, तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो भी नहीं? तो पहले ये नोट करके इसको घर से निकाल के लेके आ। ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। विथ सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमको ये बताया गया है कि 4 सर्कल्स हैं, ठीक है ना? एक सर्कल का सेंटर ए है, एक सर्कल का सेंटर बी है, एक का सी है, एक का ए। चारों सर्कल के सेंटर को जब ज्वाइन कर ले तो क्या बन गया? एक स्क्वायर। और फिर जो शेड करके दिया पूरा वो रीजन निकाल लिया। अब देखो ये सर्कल पहला ए सर्कल, ये कौन सा? बी सर्कल, ये सी और ये डी। चारों सर्कल इक्वल, कैसे? इक्वल, वो नहीं दिख रहे हो लेकिन है इक्वल। इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, इसका सी, इसका डी। बेटा कभी भी अगर अपन नाम लेते ना तो लाइन से चलना चाहिए, जैसे ए बी सी। कई लोग कैसे करते हैं? ए बी सी बी, ऐसा बनेगा ट्रायंगल? कभी भी और जब नेमिंग करते तो लाइन से करते, भले तो इसको पहले डी ले रहे हो इसको सी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ए बी डी सी, लेकिन लाइन से चलते। ऐसे मत करना, पहले ए बी बी सर यहाँ आ गए, सी बी डी,
ऐसे करके दो एक चारों को सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया ये स्क्वायर क्या बन गया स्क्वायर अब स्क्वायर की साइड कितनी है 14 मीटर अब बोला ये जो शेडेड वाला रीजन है ये निकालना है कौन सा निकालना है शेडेड अब ये निकाल सकते हो कौन कौन निकाल सकता है 5 कैसे निकालेंगे बता चलो माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं ये पूरा अगर सेंटर से जॉइनिंग कितना है 14 तो सिर्फ यहाँ तक कितना होगा 7 क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है ना तो रेडियस कितनी हो जाएगी और अगर जो सेंटर लगाता उसकी थीटा कितना हो जाएगा 90 जो क्वाड्रेंट लगाता उसकी डिवाइड अपॉन 4 पाई आर शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे क्या लिखा है शेडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4 इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर 4 इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 4 से 4 आंसर ये तो पता है ना यस सर क्या दे रखा है 20 पाई मतलब 22 बार आर कितना है 7 इनटू 7 लेकिन इससे पहले थोड़ा उसको लिख के बता देना कि हमको लिखते भी आता है क्या गिवन साइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा ए इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 7 सेंटीमीटर अरे बात सुनिए फिर शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इनटू 4 से इनटू क्या क्वाड्रेंट कितने हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट छापो फिगर कौन सा 12 पॉइंट ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल बेटा दर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल और उसका सेंटर क्या है विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर तो पहली बात तो बना लो एक सर्कल है ना इस सर्कल सेंटर क्या है ए डायमीटर क्या है ए बी ए क्या है सी डी ये ए बी और फिर क्या रखा है सी ये दोनों क्या है डायमीटर और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर आई बात सुन परपेंडिकुलर मतलब देना 90 डिग्री का एंगल बना रहा अब बोला एंड ओडी इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल अब यहाँ पे एक जो ओ से लेके डी तक है यहाँ पे क्या बना है सर्कल वो स्मॉलर सर्कल का क्या है कितना रेडियस रखा है 7 सेंटीमीटर कितना रखा है ये सर्कल अपने को देख रहा है ठीक है इसका डायमीटर कितना है ठीक है अब बोले इफ OA इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर O से लेके ये OA कितना है 7 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायग्राम कुछ ऐसा ही है ना ये दिया डायग्राम अब देखो सुनो इसके अंदर क्या निकाला अपने को शेडेड रीजन पहले एक बात बताओ जो बड़ा वाला सर्कल है कौन सा वाला सर्कल है बड़ा वाला उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर बेटा 14 डायमीटर है थोड़ा नींद से उठ जाओ ठीक है ओए बस जो अपना बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 7 अब उसी में एक छोटा सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 7 अब इसकी रेडियस कितनी होगी 7.2 पता है कि सर क्या निकालना है शेडेड रीजन तो शेडेड के लिए पहले क्या निकालेंगे अपन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 या फिर 7 अपॉन में 2 जो डायमीटर होता है ना उसका क्या कर देंगे हाफ ये आ गया अब बचा क्या है ये तो इसमें से एक काम कर सकते हैं ये सेमी सर्कल क्या है ये ठीक है सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू पाई अब बेस कितना है 14
बेटा ये ना पूरा ट्रायंगल में ये क्या बेस है ना, ये सेवन तो ये भी क्या है, दोनों क्या है रेडियस, तो बेस कितना हो गया 18 और हाइट कितनी हो जाएगी, तो क्या ये रेडियस। ऐसे करके अपन क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन सेमी सर्कल में से क्या करना है ट्रायंगल को, ये पूरा क्या है तुम्हारा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को क्या कर दोगे, क्या जाएगा ये वाला प्लस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल। आज बात सुन तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन नहीं कर सकते। तीसरा, तीनों सर्कल के सेंटर, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, इसका सेंटर सी, जब इन तीनों पॉइंट्स को, जब इन तीनों सर्कल के सेंटर को क्या कर देंगे ज्वाइन, तो एक क्या बन जाएगा इक्विलेटरल, लेकिन साथ में एक बात और होगी, जैसे ये क्या बन गया इक्विलेटरल, लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसका जो अपन हाफ करेंगे तो वो क्या जाएगी सर्कल की रेडियस। देखो अपनी बुक के अंदर अ सर्कल इज ड्रॉन एंड विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल की जो साइड है उसका जो लेंथ है उसका क्या करेंगे हाफ, तो क्या आ जाएगा एक सर्कल की रेडियस। हमको तो सिर्फ इतना कहा गया कि आप बस इतना निकाल दीजिए, इतना सही है। अब देखो सुनो, हमको इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इसका एरिया देके रखा है, कितना देके रखा है 17,300.5, ये दे रखा है, क्या दे रखा है ये इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब निकालेंगे अपने को सेंटर पार्ट, तो बेटा ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है सेक्टर। अब सेक्टर निकालना है तुमको पता है, देखो अगर निकालना है शेडेड रीजन, क्या निकालना है तो कुछ मत करो, सबसे अच्छा एरिया ऑफ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एबीसी, ये तो आपने निकाल दिया पूरा, क्या निकाल दिया ट्रायंगल। अब ये क्या लिख रहा है, ये सेक्टर, तीनों सेक्टर कैसे इक्वल, तो सर तीन सेक्टर को क्या कर दो माइनस एरिया ऑफ, ठीक है मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे रखा है ये ना। अब 3 × एरिया ऑफ सेक्टर कितना बार में 8 × π r² थीटा भी पता है कितना 60, लेकिन रेडियस पता है क्या, अपने कैसे निकाल लोगे, तो पहले क्या निकालोगे साइड, फिर साइड का क्या करोगे हाफ, तो क्या आ जाएगा ये तो सबको अच्छा इस तरह का शेडेड रीजन निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये तो हमको देख के रखा है, इसमें से तीनों सेक्टर को क्या कर दो, तो क्या आ जाएगा शेडेड रीजन। लेकिन मैंने बोला ये भी ठीक है, एंगल भी पता है, अब दिक्कत कहां आ रही है रेडियस, रेडियस पता है क्या, तो रेडियस निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे ट्रायंगल की साइड, साइड का क्या कर देंगे हाफ, तो क्या आ जाएगा। अब देखो ट्रायंगल की साइड कैसे निकलेगी, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है 3/4 a² याद है कि नहीं आता। अब हमको तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देके रखना है कितना 17,320.5, ये दे रखा है। साथ में क्वेश्चन में देखो रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है 1.73205 दे रखी है, अपॉन में 4 इंटू में क्या आएगा सर, देखो स्ट्रिप क्या निकालना है, ये निकाल लो, जब सब कुछ एक तरफ आ जाएगा ये क्या आ जाएगा। अरे बात बताओ 17,320.5 ये डिवाइड का यहाँ आके तो दिक्कत यहाँ तक, और ये मल्टीप्लाई यहाँ आके इसी कस्टम क्या जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक, ये डिवाइड का तो यहाँ आके और ये मल्टीप्लाई यहाँ आके दिक्कत यहाँ तक। अब देखो पॉइंट हटाना है, कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 एक टेन से एक टेन कैंसल, एक बात सुनो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसल, अब क्या आया 4, 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
ये आ गया, एक प्लस टू क्या आ गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, जब इसके फैक्टर करोगे तो एक इतना आ गया, एक इतना आ गया, एक का मतलब क्या हो गया, साइड। अपन जानते हैं सब साइड का हाफ कर दो क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस सर्कल क्या आ जाएगी, 100 फुट कर देंगे। आ रही बात समझ, तो फिर ऐसा अपन को बाद में बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो कि ए जो है वो क्या होता है, रेडियस। एक का अगर क्या कर देंगे अपन हाफ, तो क्या आ जाएगा, रेडियस। एक का हाफ में कितना आएगा, 100, कितना आ जाएगा, 100। अब देखो इधर, ये तो देखे रखा है, थीटा कितना है, अपॉन में पाई कितना है, 3.14। आर कितना है, 100 यार आएगा सर। अब क्या, अब 100 से मल्टीप्लाई अगर करते पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, दो, अपॉन में क्या जाएगा, 100 से 100। इसको सॉल्व कर लेना तुम्हें,